हमारी गुड मॉर्निंग गाड़ी निकालने से ही हो जाती है। सुबह सुबह गाड़ी को सोसाइटी में से बाहर निकालना ही हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क रहता है एवरीडे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनकट लाइफ ऑफ प्रतीक आयर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज तो मैं जल्दी उठ के नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। बाल वाल गीले देख के लग जाएगा आपको कि ये भाई जस्ट नहा के आए पोपट भाई। 15 मिनट से मेरा वेट कर रहे थे घर के नीचे, बट मेरे घर के सुबह सुबह गेस्ट आ गए और मेरे को नहाना भी बाकी था, उसके चक्कर में आधा घंटा लेट हो गया। तो अभी हम लोग नहा धो के रेडी होके निकल रहे ऑफिस के लिए। तो सूरत रहता हूँ तो मेरा व्लॉग ज्यादा से ज्यादा कार में ही स्टार्ट होता, क्योंकि घर पे तो लेट उठता हूँ, नहाने धोने में एक घंटा चला जाता है, बाद में तुरंत नहा धो के रेडी होके मेरे को निकलना पड़ता है काम के लिए। सूरत में मेट्रो का काम ऐसा चल रहा है ना, उसकी वजह से जहीं पे भी जाओ मोस्टली वराछा वाले एरिया में, क्योंकि वराछा पूरा कंजस्टेड एरिया है, ऊपर से उसमें मेट्रो का काम चालू है, ट्रैफिक रहता है देखो। और मेरे जैसे लोग जिसको आनंद में रहने की आदत हो चुकी है, उसके लिए थोड़ा ट्रैफिक सहना माथा फोड़ने जैसा काम है, बट कोई बात नहीं, रोज रोज तो सहना होता नहीं है, जब जब मिलता है तब सह लेते हैं। अभी जा रहे हैं, हमको सिर्फ आधा 1 किलोमीटर निकलना है, बट 15 मिनट तो इधर से 200 मीटर में 15 मिनट ले लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में। और दिक्कत ये आती है कि गाड़ी बड़ी ना, उसके चक्कर में पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पूरा कट टू कट चलाना पड़ता। मेरे को 2 मिनट का बोल के आधे घंटे से पोपट भाई अंदर बैठे हैं। ये बैंक का और सरकारी काम और ये सब जो काम होते हैं ना, वो ऐसे काम होते हैं ना, उसमें इतना टाइम चला जाए ना वो फिक्स ही नहीं। यहाँ पर बैठे बैठे 11 बज चुके हैं, आप देख पा रहे हो, हम 10 में शायद 10-20 जैसे हम इधर पहुँचे थे। मेरे को बोला सिर्फ एक साइन करना है, 2 मिनट में आता हूँ, ऐसा बोल के अंदर गए। गाड़ी में साइड में बैठा था एक भाई वाला मेरे को गाड़ी पार्क करने, तो मैंने गाड़ी वाड़ी पीछे ली, मेरे को लगा अभी आएंगे, बट 11 बज चुके हैं, अभी तक वो आए नहीं है, अंदर कुछ काम नहीं है, तभी उनका वेट करते और तो कुछ कर नहीं सकते। उसने बीच में मैंने 2-3 पोस्ट डाल दिए इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो PRTIKKAHR, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा, तो जाए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए मेरे को, और देखिए वहाँ पर मैं ज़्यादातर अपडेटेड रहता हूँ मेरी लाइफ के बारे में, तो उधर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अभी वापस हम लोग आ चुके हैं मोटा वराछा में। अभी मोटा वराछा में एक दो जगह काम है वो निपटाने के लिए, और जो सामने है उसको बोलते हैं सुदामा चौक, जो सूरत से जो लोग देखते हैं उनको पता होगा, जो नहीं देखते नाम से भी याद लगो, कभी सूरत सूरत आओ मोटा वराछा आओ, वैसे सीन लेने में काम आता है कि हाँ मैंने सुना है सुदामा चौक देखा है ऐसा। वीरानी कॉम्प्लेक्स करके कॉम्प्लेक्स है, उधर जाना है, एक भाई से मिलना है और थोड़ी बहुत मीटिंग चर्चा करनी है, वो करने के बाद ही आप लोगों को मिलता ये क्रेन इतनी बड़ी बड़ी है ना, उसके चक्कर में पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि ये वाला रास्ता पूरा ब्लॉक ही है और इस साइड भी सिंगल है। पता नहीं वो क्या अंदर कुछ ये पता नहीं कुछ डाल रहे है, और ये यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो बना रहे हैं ये लोग, अंडरग्राउंड ये पूरा पता नहीं कैसे काम चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जब होगा तब समझ में आ रहा है। ये देखो 5-5 टन के एक एक देखो, ये सब 20 टन इस साइड 20 टन उस साइड, और वो बहुत बड़ा क्रेन है ये वाला। ये भाई मशीनरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आधुनिक युग है भाई, इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते। और हम लोग फंसे हैं ट्रैफिक में, आधा जीवन तो इधर ट्रैफिक में ही चला जाता है, इस साइड पूरा रास्ता ब्लॉक है, इस साइड जाना है तो कोई जाने नहीं दे रहा है, और यू टर्न तो ले नहीं सकते, बट अभी देख रहे हैं कैसे जाते हैं हम। चलो फाइनली खुल गया ये वाला साइड, तो रॉन्ग में ही जाने दे रहे। जीवन में कभी कभी है ना रॉन्ग साइड भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि हर बार आप अगर सीधी रास्ते पे जाओगे तो कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे अपना लक्ष्य या फिर कुछ भी हो, तो इसलिए कभी कभी रॉन्ग लेना पड़े तो ले लेने का, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बड़ा भाई अपने मामा के घर जा रहा है खाना खाने के लिए दोपहर का, और चाबी मेरे जेब में ही रह जाती ना तो लोचा पड़ जाता, उसको तो याद नहीं रहता, बट और गाड़ी ने आवाज़ दिया तब जाके पता चला कि चाबी मेरे जेब में, और हल्की हल्की बारिश आना चालू हो गई है। अभी पता नहीं वापस मॉनसून चालू हो रहा है क्या हो रहा है। मैं जा रहा हूँ घर पर खाना खाने के, ऑलमोस्ट दोपहर के बज चुके हैं, 1 बज चुके और खाना खाना बाकी है, ब्रेकफास्ट सुबह इतना किया नहीं था, और घर पर हो तो मेरी आदत नहीं है ब्रेकफास्ट करने की, सीधा लंच ही होता है, लंच नहीं होता तो सीधा खा रात का डिनर ही होता है, और ये बच्चे सब घर पे जा रहे हैं या तो फिर लंच। कहाँ घर पे जा रहे हो या स्कूल पे जा रहे हो? लंच हो गया खत्म?
लंच करके जा रहे हैं। तो मैं भी जब स्कूल में पढ़ रहा था मेरे को भी मजा आता था लंच करने के लिए घर पे, जो कि मैं जहाँ जाता था यहाँ से 15 किलोमीटर दूर थी, तो मैं तो टिफिन लेके जाता था, इनके जैसे घर नहीं आ पाता था। तो अभी मैं भी आया हूँ लंच करने के लिए। लंच में बाजरी में रोटलो, सब्जी और मेरी फेवरेट खिचड़ी, दही खावानू अने मजा रहवानू। कल वाला व्लॉग भी अपलोड हो चुका है तो वो भी जाके देख लेना, ठीक है। एक इनोवा की वजह से ये पूरा ब्रिज, दुबई वाला ब्रिज जो मैं जिसको बोलता हूँ, वो पूरा इसकी वजह से अटका पड़ा था आज। मतलब पूरे ब्रिज में ट्रैफिक ही ट्रैफिक थी, लास्ट तक आधा किलोमीटर जितने हो गया था। मेट्रो सिटीज में रहने के जैसे फायदे हैं ना, उतने ही गैर फायदे भी है। ट्रैफिक का इश्यू सबसे बड़ा रहता है, रहता और रहता ही है। तो उसकी आदत पड़ जाएगी थोड़े दिनों में, तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो अभी हम लोग सिटी में जा रहे हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग का काम है तो वो करने के लिए, क्योंकि थोड़ा एक सरप्राइजिंग वाला मोमेंट मेरे लिए भी आया, आप लोगों को भी आएगा, पर थोड़ा वेट कीजिए। अभी हम लोग आ चुके हैं जूडियो में, थोड़ा बहुत शॉपिंग बहुत टाइम से नहीं किया था, जो को मैंने तो किया है, बट बड़े भाई को बाकी था शॉपिंग करने का, तो शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और एक आध घंटा यहाँ पर निकालेंगे। बाहर बहुत धूप थी, बोल दो बारिश 2 घंटे पहले आ रही थी, बट अचानक से धूप चालू हो गई है, तो अंदर ए सी में रहने का मज़ा अलग आएगा। तो इधर अब शॉपिंग चालू हो गया हम लोग का, पता नहीं कब जाके ख़त्म हो। मैं होता हूँ तो जल्दी जल्दी शॉपिंग हो जाता है, इनका तो बहुत लेट तक चलता है। तो अभी लेते हैं उनके लिए कुछ, बाद में मिलते हैं आप लोगों को, चलो। और हमारे साथ है डॉक्टर विपुल कलसरिया। कैसे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर डॉक्टर होके शर्माना थोड़ी होता है यार, डॉक्टर कभी शर्माता है क्या? वो साइड देख के हमें मजा आया था। अच्छा, पीछे ये मेरी आदत है पीछे वाले कैमरे से व्लॉग करने की। लाइफ ऑफ व्लॉगर क्या होता है, इससे ज़्यादा तो इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे ऑल दो मेरे पास पहले ट्राईपोर्ड नहीं था, बट ये नरेश भाई का चोरी किया हुआ ट्राईपोर्ड है, तो इसको मैनेज करना साला बहुत तकलीफ वाला होता है। तो जो बड़े बड़े व्लॉगर्स लोग हैं तो उनके पास तो पूरा सेटअप होता होगा, वो कैसे मैनेज करते हैं क्या पता, बट जितना भी है उसको मैनेज कर रहे हैं। अब ये दोनों भाई कहाँ चले गए, यहाँ रहे। तो इतना सब कुछ ले लिया है, विपुल भाई पकड़ो इसको, मैं तो नहीं पकड़ रहा। बहुत भारी वाला फटका लग गया आज बड़े भैया को, बहुत दिनों बाद हाथ में आए थे इस मामले में, तो सोचा आज लगा ही देते हैं। बट सारी चीज़ें मेरी नहीं है, उसमें से बहुत कम ही मेरी है। मेरा सिर्फ 2 शर्ट और 1 पैंट, ट्रैक लिया है, पैंट तो नहीं, पैंट मेरे पास बहुत सारे पड़े, बट मैं शर्ट से कभी धराता ही नहीं हूँ। हमारे गुजराती में कहते धरा तो दस ही, हम शर्ट से मैं कभी संतोष ही नहीं मिलता। तो मैं जहाँ जाता हूँ एक आध शर्ट तो मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने आज भी ले लिया, और बहुत ही बड़ा वाला फटका लग गया है। और मेरे को टाइटल भी मिल गया आज के वाले व्लॉग का, वो आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ये वाले ब्रिज पे दिन में 10 बार ऐसी गाड़ी बंद पड़ती है, और उसकी वजह से 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक हो जाता है, जीवन इधर पूरा ट्रैफिक में ही निकल जाता है। मांड मांड रास्ता खुला है, आज के दिन पता नहीं क्या हो गया है, मैंने चौथी गाड़ी का एक्सीडेंट, मतलब गाड़ी रास्ते में बंद हुई देखी, चौथी गाड़ी थी। अभी पता नहीं और कितनी मिलेगी आज के दिन में। आज सैटरडे करके कुछ ज़्यादा ही पब्लिक बाहर ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि चौथी गाड़ी मैंने देखी ऐसी पटका, मतलब चौथी गाड़ी मैंने ऐसे देखी रास्ते पे बंद पड़ी थी ऐसी, पता नहीं क्या रीज़न है आज का। मैं भी कल संडे, तो सब लोग बार बार जाने का प्लान बना रहे होंगे इस भागा दौड़ी वाले जीवन में से। अभी हम लोग जा रहे हैं कड़ोदरा, यहाँ से 14 मिनट का रास्ता है, मतलब 5 किलोमीटर के लिए 15 मिनट, आप सोचो कितना टाइम लेता है यहाँ सिटीज़ में। तो ये जो दादा आपको दिख रहे हैं, उनको लेने के लिए हम लोग कड़ोदरा आए थे। कड़ोदरा एक हमको फ़ोन आया था रेस्क्यू का, कि एक दादा बहुत ही गंदी परिस्थिति में रह रहे हैं, तो उनको रेस्क्यू कर लो आप। तो उनको लेके अभी हम शायद मानव मंदिर में जाएंगे, उनकी हालात में बदलाव लाएंगे और उनका आगे वाला जीवन अच्छा हो, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। पोपट में अभी बाहर गए, उनके हाथ एक्चुअल में बहुत गंदे हो चुके थे, और गाड़ी में आज सैनिटाइजर वाला पड़ा नहीं था और पानी भी नहीं था गाड़ी में, तो उन्होंने बोला पहले हाथ बहुत ही गंदे हो, क्योंकि काका की हालत बहुत ही ख़राब थी, तो वो हाथ वाथ धो के आ रहे हैं। तब तक मैं बोला थोड़ा शूट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अभी हम कहाँ हैं। देखो ये मुकेश भाई, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हो मुकेश भाई आप, 10,000 रुपये क्यों, 10,000 रुपये का फाइन? ये देखो मुकेश भाई, पता नहीं कहाँ से हमको देख रहे हैं,
10,000 रुपये का फाइन लगाओ कैसा? अच्छा ये यहाँ से मेरे को देख पा रहे, देखो यहाँ से, और मेरे को इधर से आवाज आ रहा है। ये मुकेश भाई ने बहुत है, क्या बोल रहे हो? वो पता नहीं कहाँ, वो एक वो कैमरा आता है ना टू वे का, जिसमें आवाज भी आता है और आवाज जाता भी है, तो उसमें देख के वो बोल रहे थे। अभी हम लोग आ चुके हैं बॉम्बे मार्केट सेल्टर। हम कैसे हो? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लो ये कर दो, आपका बाकी है। जय श्री कृष्ण, भगवान तने सुखी, भगवान सब तमने सुखी राखे, पहला पछी मने। पहले तमे रहो जो बेटा, દીકરો સુખી ની રહે તો મા બાપ સુખી ની રહે, 100% ની વાત છે, પણ મા બાપ ને પહેલા સુખી રહેવું પડે પછી દીકરો સુખી રહે ને, પહેલા દીકરો સુખી રહે તો મા બાપ બી સુખી રહે। અચ્છા સાચી વાત છે। बॉम्बे मार्केट शेल्टर हम पहले में बहुत आता था जब आनंद नहीं था, तब अभी आना कम हो गया। इन लोगों से भी मेरा अलग एक पर्सनली लगाव है, तो अभी आया तो थोड़ा बहुत सोचा मिल लेता हूँ। अभी बाहर एक काका का ही परिस्थिति में बदलाव ला रहे पोपट भाई, उनके बाल वाल काट रहे, तो चलो वो काम निपटा के आपको मिलता हूँ मैं। और हमारे सत्यम भाई आ चुके हैं बहुत टाइम बाद। सत्यम भाई कुछ बोल दो, अब हमारे जनता को बोल दो, क्या कहना चाहोगे? बस सत्यम भाई का शादी हो गया, तो सब कमेंट में जाके कॉन्ग्रेचुलेशन सत्यम भाई लिख दो। भाई नया नया दूल्हा है अभी थोड़ा क्या है उनका अभी अभी शादी हुआ है। कितना महीना हुआ भाई? 2 महीने हुआ है। नया नया दूल्हा, ताजा ताजा दूल्हा बोलते हमारे यहाँ इसको। और भाई चला गया था 6 महीने के लिए गाँव, अपने गाँव वापिस, तो हम मिल नहीं पाए थे, तो आज बहुत टाइम बाद मिले तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बहुत मिलते थे, अभी वो थोड़ा बहुत काम में, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा लोड रहता है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर, दूसरे से तीसरे, खाना पहुंचाने, ये सब भाई हमारा ये बंदा देखता है। ये 5वीं गाड़ी मैंने बंद होते देखी है। घर पे आते ही आपका व्लॉग चालू, और आपको और क्या चाहिए? तो अगर आपने भी कल वाला व्लॉग नहीं देखा है तो पहले जाइए और आपका व्लॉग देखिए। मैं भी मेरा खुद का व्लॉग एंजॉय कर रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ। फैमिली को तो नहीं दिखा सकता प्राइवेसी इशू की वजह से, बट मस्त व्लॉग देखो ना, उन्हें मजा करो ना। और हाँ, 6:30 बजे हम लोग वापस आ चुके हैं घर, तो अभी व्लॉग देखते और आगे देखते आगे आगे क्या होता है। आज ऑलमोस्ट दिन खत्म होने को आया है, जितना भी व्लॉग शूट होगा वो मैं करूँगा, और बाकी व्लॉग देखो ना, उन्हें मजा करवा दो। और इसी के साथ बज गए 11:30, और ये वाले व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। मैं अभी बाहर गया था खाना वाना खा के मेरे कज़िन सब के साथ, तो अभी के व्लॉग्स तो बस ऐसे ही जा रहे हैं, इतना कुछ खास नहीं है व्लॉग में। पूरा डेली रूटीन, बाप रे, ये हाइट लंबी होने के गैर फायदे, पूरा डेली रूटीन ही दिखाता है, ऐसा कुछ खास दिखाता हूँ नहीं। तो आई होप ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया, अगर आपको पसंद आया तो आपके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन नए विचारों के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।